हेलो फ्रेंड्स, स्वागत एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती का बैनर पोस्टर बना के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप बैनर पोस्टर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप ये जो बैनर पोस्टर डिज़ाइन देख रहे हो, इसका PLP फाइल और PNG दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें पासवर्ड रहेगा जो आपको वीडियो में ही बताया जाएगा। पासवर्ड यहाँ पर क्या है, पासवर्ड इसको कैसे डाल के फाइल को ओपन करना है, आपको पासवर्ड वीडियो में ही बताया जाएगा। पासवर्ड आपको वीडियो में तीन जगह पर बताया जाएगा। आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, तभी आपको पासवर्ड मिलेगा, तभी आप जो है अपने फाइल को ओपन करके बैनर को बना पाओगे। चलिए अभी मैं बात कर लेता हूँ इस बैनर को आपको कैसे बनाना है अपने मोबाइल फ़ोन से। तो यहाँ पर दोस्तों, इस बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो अपने पिक्सल लैब में चले जाना है। आने के बाद दोस्तों, आपका जो एप्लीकेशन है पिक्सल लैब का, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर देखोगे आपको एक न्यू टेक्स्ट दिखेगा, एक ही ऑप्शन पर जाकर इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अभी आपको चले जाना है उस फोल्डर में जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड किया रहेगा। तो जो फोल्डर रहेगा दोस्तों, उसका नाम रहेगा लाल बहादुर शास्त्री करके। यहाँ पे देख सकते हो उसी नाम से एक फोल्डर आपको दिख रहा होगा, आपको इसको फोल्डर में आना है। फोल्डर में आने के बाद आपको इस फोल्डर में कुछ इस तरीके से PNG देखने के लिए मिलेगा, साथ में PLP फाइल भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपका बैनर का बैकग्राउंड है उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है और यहाँ पे आपको वापस से उसी फोल्डर में चले जाना है। और यहाँ पे आपको जो लाल बहादुर शास्त्री का टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से, इसको भी ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करके सेट कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों, मैंने जो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो PNG फोटो वाला, वो मैं देना भूल गया हूँ इस फोल्डर में। तो जब आप डाउनलोड करके देखने जाओगे तब मैं दे दूँगा। तो फिलहाल मैं चलिए उसको फोटो को अपने बैनर से ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मैंने फ़ोटो को रखा है। तो फोटो को मैंने यहाँ पर रखा है, ये वाला फ़ोटो, इसको मैंने सिलेक्ट करके ओपन किया। यहाँ पर मैं इसका साइज़ जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से साइज सेट कर दे रहा हूँ छोटा करके। सेट करने के बाद दोस्तों, इसी का मैं एक जो है कॉपी ले लेता हूँ, थर्ड ऑप्शन में जाके कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसका साइज में छोटा करके इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, पासवर्ड 3। पीछे लेने के बाद यहाँ मैं ओपेसिटी के ऑप्शन पे आता हूँ, इसका ओपेसिटी कम कर देता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर राइट का ऑप्शन वहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। लेयर के ऑप्शन पर आता हूँ, ऊपर वाला जो फोटो है मेरा उसको नीचे कर देता हूँ, नीचे वाले फोटो को मैं ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद जो भी मेरा PNG ओपन हुआ है उसको मैं लॉक कर देता हूँ, लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करके। लेयर के ऑप्शन पर भी मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो मेरा इतना काम करके हो चुका है। अभी मैं वापस से प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूं और यहां पे मैं उसी फोल्डर में वापस से चले जाता हूं। तो यहां मैं उस फोल्डर में जो यहां पे आ चुका हूं, आने के बाद यहां पे अभी मेरा जो ये वाला PNG है इसको मैं ओपन कर लेता हूं। इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूं कुछ इस तरीके से। प्लस के ऑप्शन क्लिक करता हूँ, मैं फ्रॉम गैलरी में चले जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ मैं जो है डेट वाला PNG ओपन कर लेता हूँ, किस तारीख को है वो डेट का PNG मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाता हूँ और यहाँ पर देखते हैं और कुछ PNG बचा हुआ है यहाँ पे तो और कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक जो फ्लावर का PNG है इसको भी मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका साइज छोटा करके इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों, अभी यहाँ पे चलिए मैं अपने बैनर को ओपन कर लेता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ मैं अपने फोल्डर में आ चुका हूँ, यहाँ मैंने अपने बैनर को ओपन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो भी मेरा PNG था वो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। बस मेरा यहाँ पर जो है एक कोई आप शायरी लिखना है तो लिख सकते हो, बाकी आपको अपना फ़ोटो लगाना है, नाम लिखना है, इतना ही काम करना है। तो यहाँ पे आपको ना फोटो लगाने के लिए, नाम लिखने के लिए कैसे क्या करना है, चलिए अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो फ़ोटो देखोगे उस फोटो के नीचे आपको एक शायरी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी शायरी लिख सकते हो। शायरी लिखने के लिए आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक नया टेक्स्ट मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक नया टेक्स्ट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन पर जाना है, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा उसको आपको यहाँ पर कट कर देना है। कट करने के बाद आपको अपना यहाँ पर कीबोर्ड हिंदी में कर लेना है। मेरा कीबोर्ड यहाँ पे पहले से ही हिंदी में है। तो यहाँ पे आपको जो है अपना जो भी शायरी है आपको उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं शायरी लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया हुआ है। उसके बाद आपको डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देना है। यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अभी आपको इसका साइज छोटा कर लेना है। ये जो मेरा बैनर है इसको मैं साइज छोटा करके इसको साइड में ले लेता हूँ और ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। यहाँ पर लेके आने के बाद यहाँ पर आपको टू फ्रंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर चले जाना है कलर के ऑप्शन पर। जो भी आपको कलर पसंद है यहाँ पे आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर को सेलेक्ट किया, ऊपर मैं राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, पासवर्ड 8। उसके बाद यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट है जो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए इसमें से कोई भी एक अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो देखने में अच्छा लगे।
तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे फॉन्ट हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये वाला सही लग रहा है, तो इसको इसलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे ओके कर देता हूँ, यहाँ मेरा टेक्स्ट आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे चले जाता हूँ इलाइजन के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको जो है तीन ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको सेंटर वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरह साइज बड़ा कर लेता हूँ, या तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको दो ही लाइन में रखते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा सही रहेगा। कुछ इस तरीके से इसको मैंने दो लाइन में कर दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन भी आता हूँ, इसका बीच का जो डिस्टेंस है यानी दूरी है उसको मैं कम कर देता हूँ। ऊपर मैं राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ स्ट्रोक के ऑप्शन पे, इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं जो है इसमें वाइट कलर का आउटलाइन डाल देता हूँ, इसका आउटलाइन मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया हुआ है। उसके बाद मैं ऊपर राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ मेरा कुछ इस तरीके सेट करके हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है दोस्तों, अपना फ़ोटो लगाना है और अपना नाम लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं जो ये मेरा पोस्टर है इसको मैं अभी के लिए यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे उसका कुछ काम नहीं है। अभी मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाता हूँ, और यहाँ पे चलिए मैं अपना फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ जो भी मैंने रखा हुआ है इस बैनर पोस्टर में लगाने के लिए। तो मेरा यहाँ पे जो फ़ोटो यहाँ पे ए रहा है इसको मैं चलिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं राइट का ऑप्शन क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद इसको चलिए मैं यहाँ पे नीचे के साइड में सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप ये जो फ़ोटो देख रहे हो, अगर आपको भी ऐसा फ़ोटो बनाना सीखना है कैसे बनाते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हो, भाई इसके बारे में भी एक वीडियो बनाओ, ऐसा फ़ोटो कैसे बनाते हैं, मुझे भी अपना बनाना है अपने बैनर पोस्टर में लगाने के लिए। तो ऐसा करके आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट ए वाला लिखा है इसी का मैं सेलेक्ट करके ये ऑप्शन भी जाता हूँ, और कॉपी ले लेता हूँ इसी का मैं, और एडिट के ऑप्शन भी जाता हूँ। यहाँ पे जो भी लिखा गया इसको मैं कट कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको अपना जो भी नाम लिखना है वो यहाँ पे आप नाम लिखोगे। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, डन के ऑप्शन क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, साइज में बड़ा कर देता हूँ। अभी आप इस टेक्स्ट में दोस्तों आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हो, अपने हिसाब से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है मैंने आपको ये टेक्स्ट लिख के दिखाया, इसमें फॉन्ट भी सेलेक्ट किया, इसमें कलर भी मैंने दिया, तो उसके हिसाब से आप अपने जो भी कलर रहेगा जो भी फॉन्ट रहेगा आप दे सकते हो। उसके बाद आप इसके नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या सोशल मीडिया का जो भी डिटेल डालना है वो डाल सकते हो। तो जैसे मैं अभी के लिए यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको डाल के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ 9702494153, और डन के ऑप्शन क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर इसका साइज मैं छोटा करके इसके नीचे यहाँ पर सेट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर को ही यूज किया है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती का बैनर पोस्टर बना सकते हो, और जब आपका ये बैनर पोस्टर बन के तैयार हो जाएगा इसको आपको अपने गैलरी में सेव करना होगा। तो शेयर के ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर देखोगे डायमेंशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें डिफॉल्ट का ऑप्शन रहेगा, तो डॉट साइड में डॉट पर क्लिक करके अल्ट्रा का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऊपर सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो जो भी आप बैनर बनाए रहोगे वो बैनर आपके गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। पासवर्ड 6। तो इतना ही काम करना दोस्तों इस तरीके से बैनर पोस्टर को बनाने के लिए, तो जाइए अब भी बनाइए। चलिए आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही।